अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम लोग मुंबई के ग्रैंड रोड एरिया में और आज आपको बहुत ही नायाब शौक कराएंगे हम लोग, जिसमें आप हर ब्रीड के बकरे देखेंगे ज़्यादातर, जिसमें पतीरा, आपको सोजत, पंजाबी, मेवात, ये सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। हमारे साथ में है मकसूद भाई जो यहाँ पर पूरा शो रन कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनके फार्म का नाम जानते हैं, लोकेशन, एंड देन विल स्टार्ट द वीडियो। आपको अब माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और बड़े बकरे देखने मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो भाई, सबसे पहले अपना ये फार्म या जो सेटअप है कहाँ सिचुएटेड है और इसका नाम क्या है? ये अपना जो ग्रैंड रोड स्टेशन ईस्ट है ना जी, वहाँ पर अपना ये सेटअप है पूरा जी। अपने जैसे कि शीतल शोरूम है, हाँ हाँ, उसके इधर से जो ब्रिज जाता है, हाँ, तो एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ कपड़ा मार्केट है जी जी। तो कपड़े मार्केट के अंदर ही अपनी गली है, उधर ही अपना ये सेटअप है। ठीक है, और मैं प्रॉपर एड्रेस डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल ही देंगे जी जी, ताकि लोग उधर से देख के आ जाए। और ये सेटअप का नाम क्या है? अल रहमत गोट फार्म। और ये साल भर का आपका यहाँ से है? हाँ, यहाँ साल भर बकरे में रखता हूँ, पालता हूँ, कुर्बानी के लिए, कुर्बानी के वक्त भी यहाँ पर माल आ जाता है और सेलिंग भी होती है यहाँ पर, साल भी होती है, बच्चे वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगे। सो इस वक्त कितने बकरे हैं कुर्बानी के लिए फॉर सेल? अभी ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह 170 बकरे थे जी, आधा सेटअप मेरा कुर्ला के अंदर है। अच्छा, हाँ, और बाकी का सेटअप यहाँ पर है। अभी यहाँ पर फिलहाल में मेरे पास में भाई 120 बकरे हैं। ओके, हाँ, सो हम लोग है ना बकरे, और माल जो था जी, वो मेरा सेल हो गया जी। अभी इंशाल्लाह थोड़े बड़े बकरे, छोटे थोड़े और कुछ बचे हुए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना बकरे देखना स्टार्ट करते हैं, एंड देन बीच में बहुत सारे सवाल भी पूछ लूँगा। लेट्स स्टार्ट। सो मकसूद भाई, दिखने में तो ये बहुत ही नायाब है माशाल्लाह, थोड़ा जूम करके भी दिखाऊँ लोगों को, लेकिन इनकी डिटेल्स क्या है? ये पहला बकरा जो देख रहे हैं, इसकी क्या डिटेल्स है? सोजत है आसिम भाई जी। इसकी डिटेल्स जो है भाई, ये 43-44 हाइट पे है, 43 एंड 44 के बीच में, 43 पकड़ लीजिए। चलो 43 पकड़। हाँ, अभी बकरे का एट प्रेजेंट जो वजन है ना, हाँ, वो 120 से 125 किलो है। और ये खुद खा के, राइट? ये सेल्फ फीडिंग है, भरा ही नहीं है। आपने इसको जब खरीदा था ये क्या वेट पे था? तभी ये 65-70 केजी था। तो बहुत अच्छा माशाल्लाह इसने आपको रिजल्ट दिया, नायाब है माशाल्लाह। और ये वाला बकरा, ये भी अपना 43 का थोड़ा चेहरा, 44 हाइट पे है ये जी, और इसका वेट भी जो है 110-115 है। ये कौन सी ब्रीड में बोलेंगे? गुजरी है। गुजरी है जी। और ये दोनों बकरे खस्सी है, राइट? जी, खस्सी है। थोड़ा मैं करीब से भी दिखा दूँ, ये ना मक्की चीना बोलते हैं आसिम भाई, हाँ। माशाल्लाह बकरे की आप लेंथ देखिए, थोड़ा आगे लाओ बच्चन भाई इसको। कुछ नाम रखे हो इसके? नहीं भाई, क्या नाम, नाम नहीं रखे अपने। बहुत ही अच्छे बकरे में, ये अपने पास ही इधर ही पले भाई, अपने पास पले रहे। लेंथ देखो माशाल्लाह, कितने दांत पे बकरा? ये भी पूरा हो गया, 8 दांत लगा दिया उसने। लेकिन इसकी चमड़ी वगैरह देख कैसा लगता है इसमें और कैपेसिटी है? कैपेसिटी भाई माशाल्लाह, बकरा भी तो एक साल और, हाँ, जब चल रहा है ना मालूम पड़ रहा है। तो सेल्फ फीडिंग पे अगर कोई भराई के लिए भी अगर करता है तो आते साल तो बकरा माशाल्लाह आपके सामने है, वो तो क्या आदमी को थोड़ा लाइव देखता तभी समझ में आएगा। लाइव देख रहा हूँ तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, बहुत कैपेसिटी है इसके अंदर। ठीक है, और भी बाकी बकरे देखते हैं। सो मकसूद भाई, अभी ये जो जोड़ी देख रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही नायाब खूबसूरत, क्या डिटेल्स हैं इनके भाई? जो राइट वाला है ना आसिम भाई, ये वाला, हाँ, ये गुजरी है जी। हाँ, ये भी जो है अपना 6 दांत पूरा कर लिया है, 8वें दांत के ऊपर है, और इसका वेट भी जो है 115 से 120 किलो है। इसकी हाइट कितनी होगी भाई? इसकी हाइट 42 है। 42 है जी। दांत आपने क्या बोले, पूरे कर लिया? 6 दांत पूरे कर लिया, 8वें दांत पे, 8वें में अभी भी कैपेसिटी है इसमें। और ये बहुत अच्छा बना हुआ है, देख सकते हैं चेस्ट वगैरह भी इसका माशाल्लाह, और काफ़ी गुलाबी बच्चा है। हाँ, गुलाबी है। और ये वाले की अगर बात करूँ तो मैं, ये भी गुजरी है आसिम भाई, इसने अभी 6 दांत फ्रेश किया है जी। ये रुकने लायक चीज़ बकरा है, ये अभी सिर्फ और सिर्फ 18 महीने का है, ज़्यादा बड़ा बकरा नहीं है ये भाई। एक नया ट्रेंड चल रहा है ना गुजरी को रखने का, गुजरी सो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसमें। हाँ, रिजल्ट तो आता है, बहुत अच्छा हाइट में जाते हैं, वेट में बहुत अच्छे। तो मतलब इनको रखने से इनके पैर मजबूत होते हैं तो वेट गेन में वो अच्छा, तो कैसा है कि अपनी केयर के ऊपर है जी, कि जैसे
फीडिंग आप दोगे, कैल्शियम वगैरह, वो सब चीज़ के ऊपर बकरा अपने आप को मतलब वो पैर मजबूत करने के लिए सब चीज़ें देना पड़ती है जी। सो आपके हिसाब से अगर कोई लेके इसको रखे बहुत अगले साल माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ जाएगा माशाल्लाह। ठीक है सो अभी हम लोग और भी कुछ बकरे देखते हैं, देन थोड़े छोटे बकरे भी देख लेंगे। सो मकसूद भाई अगेन काफ़ी यूनिक जोड़ी देख रहे हैं, इनके डिटेल्स बताइए प्लीज़। ये जो असीम भाई राइट वाला जो बकरा है ना, मैं जरा ज़ूम इन कर लूँ इनको जी, बताइए। ये ढोलपुरी है। ढोलपुरी हाँ, जैसे मुझे तो आपने बता दिया पर बहुत जनों को नहीं पता होता ढोलपुरी। ढोलपुरी जो भाई जो इसका जो आगे माथे का जो ये नाक जो है ना, नकोड़ा जो ये रहता है ना असीम भाई, ये जी ये ऐसा पूरा गोल रहता है और ये पंच फेस रहता है ऐसा। हाँ तो उसको मतलब ढोलपुरी बोलते हैं। तो ये बकरे मेवात में ही पाए जाते रहे? हाँ, मेवात ये जैसे के होते थे वैसे ही सिमिलर। तो वो जैसे के उठान ज्यादा है ना, हाँ, तो वो ढोलपुरी बोलते हैं। जैसे हॉन्टेल ब्रीड में भी आता नाक उठी हुई आई और ये पंच फेस के अंदर तो ये देखो पंच फेस में। हाँ हाँ माशाल्लाह। क्या वजन पे होगा भाई ये असीम भाई? 105-110 किलो वजन पे है जी। और माशाल्लाह सेल्फ फीडिंग पे है। सेल्फ फीडिंग के अंदर बकरे के अंदर आप साइड वाइड देख सकते हो। लोग बोलते हैं ये सब सिर्फ भराई में आता है। नहीं 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 भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेल्फ फीडिंग के अंदर है। आप बोलोगे तो बकरे को मैं आपको खिला के भी दिखाऊंगा जी। नहीं नहीं आप बोल रहे हो तो सही, मैं सिर्फ पूछ रहा था कि बहुत बार ना भराई में दिखाते हैं ये सब चीजें। ये भराई के अंदर भी आती है लेकिन आदमी जब सेल्फ फीडिंग करके देखेगा तो उसमें भी आएगा ना। ये सेल्फ फीडिंग में ऐसा बन रहा है तो भराई की जरूरत क्या है? हाँ भराई की जरूरत क्या? बहुत अच्छा माशाल्लाह। अब इसके बारे में बात कर लें। ये मेवाती है, एक नॉर्मल मेवाती है विद पंच फेस राइट? हाँ पंच फेस है, लॉन्ग हेयर है एकदम। इसकी फ्रेम मेरे को अच्छी लगी, बढ़िया जी। हाइट कम है लेकिन शायद इसकी हाइट इसकी मतलब अभी क्या है फ्रेम का जो इसका चौड़ान है ना पेटे का जी जी, उस वजह से इसकी हाइट कम हो गई। बाकी मैंने 40-41 की हाइट पे लिया था। अच्छा फिर कम हो जाती है सब वजन? हाँ, वजन आता अच्छा, तो कम ओके। एंड लेंथ भी इसने छोड़ा है। वजन कितना हो गया इसका? इसका वजन 100-105 है। 100-105 जी ठीक है। सो भाई ये हो गए आपके कुछ बड़े बकरे, और भी हैं लेकिन अभी हम लोग थोड़ा छोटे बकरे की तरफ शिफ्ट करते हैं जी जी ठीक। तो मकसूद भाई अभी हम लोग आपका जो पतीरा का रेंज है पूरा ये वो बाड़ा है राइट? इसमें कितने बकरे टोटल? इसमें अपने पास में भाई 35 बकरे। क्या वेट एवरेज के बकरे हो इसमें अपने पास में है असीम भाई? एक ही बकरा इसमें छोटा है हाँ? जो 55-57 केजी का है जी। बाकी सब 65 किलो से लेकर 120 किलो तक के, 65 के भी मेरे नहीं है, 75 किलो से स्टार्टिंग। तो पतीरा है 120 किलो जो? हाँ है ना पतीरा, आप बोलो निकाल के दिखाओ मैं दिखा दो। हाँ तीन चार बकरे निकाल ये मुंडो निकाल फोन है उसका इसे। माशाल्लाह दोस्तों जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ दिस गोट, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो लोग देख ही रहे हैं बट मैं चाहूँगा कि आप बात भी करें इसके बारे में। हाँ मकसूद भाई कुछ बताइए। देखिए ना आसिम भाई चीज़ आपके सामने है, लोगों के सामने प्योर पतीर है माशाल्लाह। ये देखो इन लोग की सब बगल वगल और ये भी खुद खा के राइट? खुद खा के सेल्फ फीडिंग। छोड़ दो आगे ये देखो ये हमारा काला वजन है, थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा उसको। क्या ये वाला क्या वजन पे है मकसूद भाई आगे जो है? अच्छा ये वाला हाँ ये वाला असीम भाई 120-122 पे माशाल्लाह। और ये वाला भी वही 120-122 एक सिंह वाला देख लेते हैं अभी, उसको आगे ले लो। वाह चेस देखो भाई क्या बोलना चाहते हो इसके बारे में? भाई हमारा प्योर पतीरा पाले हुए घर के जानवर है माशाल्लाह। सिंह देखो सब पूरे साल घर में खाए ले बकरे हैं सब 120-180 किलो 90 किलो 100 किलो 100 किलो पाले जानवर है सब माशाल्लाह। चेस्ट और जो साइड आर्म्स है ना भाई इसकी तो क्या ही बात है। ये देखिए ये सब सेल्फ फीडिंग के ऊपर है, भराई वाला एक बकरा नहीं, सब खुद से खाते बकरे। वाह इकबाल भाई बोलो 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 बोलो। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगे असीम भाई? ये बकरा भी 110-115 किलो का बकरा है। मैं आया 1 मिनट में आया, ये माशाल्लाह फुल साइड के साथ में आया बस। इतनी हाइट पे पॉसिबल होता है इतना वेट गेन?
हाँ ना, तकलीफ नहीं आती है, चलने नहीं, पैर वेर मजबूत है बकरे, जैसे मालवा वगैरह में देखा उन लोग बहुत चलने में प्रॉब्लम देते हैं, थोड़ा थोड़ा कोई कोई बकरे के पैर वजन ज्यादा आ जाता है, हड्डी थोड़ी कमजोर रहती है, देखो ना बाकी आप पैर से तो सीना भी देखिए बकरे का पूरा एकदम, ये देख लीजिए आप, ये वंडू लोग भाई आप एक से एक नगीने निकालते जा रहे हो, ऐसे कितने बकरे अपने पास? ऐसे अपने पास में आसिम भाई कम से कम अभी है ना 23-24 बकरे हैं, और कुछ सेल भी हो गए हैं ऐसे नगीने, 23-24 बकरे हैं। हर बकरा देखना तो पॉसिबल नहीं है, जी जी जी, है ना, क्योंकि वीडियो की भी एक लिमिट रखते हैं, तो मैं तो बोलूंगा कि आके देखें ये बकरे यहाँ पर, जब लोगों को और मजा आएगा। क्या डिटेल्स है भाई, अंडू है? हाँ ये अंडू है आसिम भाई, प्योर पतीरा, जो नॉर्मल हाइट रहती है ना, जो बोलते हैं छोटी हाइट के पास, हाँ। ये वो अंडू बकरा है, और ये एक दांत अभी निकाला है आसिम भाई। अच्छा, एक दांत में पालने लाए गया, ये तो हो दूसरा भी निकाल ही रहा है, और माशाल्लाह बकरे में जगह भी बहुत है, और फुल क्वालिटी वाला बकरा। और जो प्योर होते हैं वो छोटे ही होते हैं? हाँ ये प्योर है, तो छोटी हाइट पे होंगे, देखो बहुत एड़े चाले भी है, बाप रे, और चेहरे पे जो बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, ये अपना झालर बोलते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है माशाल्लाह, अभी दो दांत के अंदर झालर, आप देखो एक ही दांत निकाला है, देखिए झालर पूरी थी, ब्रीडिंग के लायक भी है, ब्रीडिंग के लायक भी है, पालने के लायक चीज है, माशाल्लाह। ठीक है भाई, तो मूव ऑन करते हैं और बकरों को। मकसूद भाई इसके डिटेल्स दे दीजिए आप। जी आसिम भाई ये भी पतीरा है माशाल्लाह, मतलब ऐसे चेहरे का पतीरा बहुत कम देखने मिलता है भाई, ये भी माशाल्लाह 6 दांत के ऊपर है, तो आपने छोटा बच्चा दिखा है वो भी चेहरा तो ऐसे ही कर लेगा ना? हाँ, ऐसा ही कर लेगा, उसके चेहरे पे तो अभी से इतना रुबा गया है। क्या दांत पे भाई है? ये 6 दांत के ऊपर है। वाह भाई, ये और वो तो है ही, और ये देखो ना, ये बाप रे, जगह भी बहुत है, देखो पूरा शेर है माशाल्लाह, फेस देखो बफ वाला फेस है, पूरा पिंक है माशाल्लाह। ठीक है भाई, माशाल्लाह भाई, इसकी क्या डिटेल्स है मकसूद भाई? ये भी आसिम भाई 120 किलो के करीब बकरा है, पतीरा है माशाल्लाह, आप देखिए ना आपके सामने, ये देखो सीना वगैरह, उसकी साइड देखो माशाल्लाह, बोलने जैसा कुछ नहीं है, ये चीज सब तारीफ लायक है, मतलब सामने वाला खुद देख के समझ जाएगा, बहुत नायाब चीज है भाई। से स्टार्ट करते मकसूद भाई, ये क्या ब्रीड लाइन में? ये भी पतीरा है। वाह, इतने अच्छे अच्छे चेहरों में आपके पतीरा है माशाल्लाह, गला पट्टी झालर, ये देखो एक नंबर पूरा, इसका मतलब झालर वगैरह सब आसिम भाई, ब्रीडिंग के लिए काफी ब्रीडिंग अच्छी के लिए बहुत अच्छी चीज है, इसका चेहरा देखो, दांत से बता दे एक बार, दो चार कर रहा है एकदम बेहतरीन भाई, वाह मान गए, पीछे खड़ा वो भी पतीरा गया भाई। जी आसिम भाई ये भी पतीरा है, सब अच्छे चेहरे के बकरे हैं भाई, मेरे को लगता है आपकी खरीदी में मेन चीज चेहरा ही होता है, क्वालिटी देख के अपन बकरे लेते हैं आसिम भाई। और ये थोड़ा दांत में ज्यादा दिख रहा है मेरे को, तो ये 6 दांत है, 6 दांत है अभी भी, जी जी नहीं 4 दांत है आसिम भाई। हाँ, और ये वाला पतीरा, ये भी है मुंडा पतीरा, वो आपने जो मुंडा बच्चा दिखाए थे वो ऐसे ही बनेगा ऐसा लगता है? हाँ इंशाल्लाह, बाप रे बाप माशाल्लाह, ये देखो आसिम भाई सब पूरा माशाल्लाह, ये ब्रीडिंग प्रपोज भी है, और अगर किसी को पालना है, शौक करना है, बनाना तैयार करना है, तो भी बकरा है देखो क्वालिटी, वाह सुपर्ब। और क्या देखेंगे? बफ चेहरा, पंच फेस, पंच फेस, दाढ़ी भी है, चार दांत है, कान की लेंथ देखिए माशाल्लाह, तो ये भी ब्रीडिंग के लायक है, ब्रीडिंग के लायक एक नंबर चीज है, इसका चेहरा अभी 4 दांत में इतना पंच फेस है, आगे जाके और पंच करेगा वो, इसका भी चेहरा देखो
कई माशाल्लाह हर चेहरा देखो, आप चेहरा देख के ज्यादा बकरा परचेस करते हैं, ऐसा पक्की बात है माशाल्लाह। बनने लायक चीज भी है, ब्रीडिंग लायक चीज भी। ये क्या मेवात बोलेंगे? हाँ, ये मेवात है, तोतापुरी सिंगल कलर। सिंगल कलर, वाह नायाब, ठीक है। बहुत ही एग्रेसिव बरबरा दोस्तों, देख लो शॉर्ट बॉडी। ये प्योर ब्लड लाइन है, पुरानी जो बरबरे में वो चलती है ना, अभी तो सब मिक्स ब्रीड आ गए भाई, जिंग से क्रॉस। हाँ, तो ये बेचना है आपको क्या? ये ब्रीडिंग के प्रपोज के लायक का है, तैयारी के हिसाब से। दांत कितने हैं इसके? दांत 6 है माशाल्लाह, बहुत इसकी भी माशाल्लाह झादर वगैरह आप देखिए आसिम भाई, एग्रेसिव भी है ना। एग्रेसिव भी है। एक और नायाब बरबरा है ना यासीन भाई, जैसे पतीरे पूरे व्हाइट गुलाबी होते हैं ना, हाँ। ये बरबरा वैसा है, ये पूरी इसकी मार्बल सिंग है। ये नहलाने की वजह ये है कि भाई नजर बहुत लगती है, और माशाल्लाह इसकी भी आप झालर वगैरह देखिए बकरे में बना हुआ है। ये भी पालना ब्रीडिंग, अगर किसी को गुलाबी व्हाइट बरबरे चाहिए, खड़े कान की बकरी हो, नायाब बहुत अच्छा, ठीक है। और ये भी 6 दांत के ऊपर ही है माशाल्लाह। सो भाई आपका एक और ये बाड़ा हम बाहर से देख रहे हैं, कितने बकरे हैं इसमें और ये क्या रेट रेंज के हैं? इसके अंदर असिंग भाई है ना, बकरे तो बहुत थे, कम से कम 70-80 बकरे थे जी। ये पूरा कुर्बानी के अंदर लॉट है बेचने का, इसमें 18,000 रुपये से लेकर अपने पास में 45,000 रुपये तक के बकरे कुर्बानी के, मतलब मैं आपको बताऊँ 52 केजी से लेकर इसमें 90 केजी तक के बकरे। पतीरा है, मेवात पतीरा है, मेवाती है, सोजा गंडूल है, वो एक गंडूल दिखवा देंगे। अख्तर भाई वो गंडूल दिखाओ। हाँ, ये माशाल्लाह आसिम भाई 4 दांत के ऊपर है। वजन क्या होगा इसका? इसका वजन 70-72 है। ये आसिम भाई ब्रीडिंग प्रपोज के लिए बहुत अच्छा बकरा है, 4 दांत के ऊपर है अभी, इसका वजन 70-72 है। ये बड़ी सिंह है भाई, ये क्या इंदौरी है? ये मालवा है। वाह वाह वाह, बहुत प्यारी चीज है, उसका सिंह ही माशाल्लाह देखो। हाँ माशाल्लाह चीज। तो मकसूद भाई, आपने हमको हर नस्ल के बकरे दिखाए, अंडुल खस्सी सब कुछ दिखाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आप अपना फोन नंबर बता दें। मेरा नंबर है आसिम भाई 9867869139। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक लास्ट टाइम आप यहाँ पर आने का प्रॉपर एड्रेस बता दें ताकि लोग आ सकें। ये अपना जो ग्रैंड रोड स्टेशन है ना जी, ईस्ट के अंदर अपना ये फार्म लोकेटेड है। जैसे ग्रैंड रोड पे एक फेमस है शीतल शोरूम जी, वहाँ पर भी आके मेरे को कोई कॉल करेगा ना तो मैं उसको पिकअप कर लूँगा। और जैसे ग्रैंड रोड मस्जिद है जी, ब्रिज के ऑपोजिट मस्जिद है, तो ब्रिज के सामने वाली गली के अंदर, ऑपोजिट के अंदर अपना ये कपड़ा मार्केट के अंदर, ये गली के अंदर है। किसी को भी पूछेगा ना कि बकरे का, तो कोई भी आदमी बताए। कभी भाई फ़ोन ना उठा पाए तो समझ लेना कि थोड़ा बिजी हैं ग्राहकों में। मैं आपको बताऊँ तो ग्रैंड रोड ब्रिज के नीचे आना है आपको, वन वे है, और ब्रिज के नीचे से यू टर्न लेना है। यू टर्न लेके आप थोड़ा आगे आएंगे, उल्टे हाथ पे एक बिल्डिंग के कंपाउंड के अंदर बकरे हैं। सो आइए देखिए बकरे। जाते जाते हम आपको दो और चीज़ दिखाएंगे, एक नायाब मेंढा और एक वाइट आइज़ में फुल वाइट पंजाबी। ये देखिए हम वीडियो का जी, कि जैसे जो अपन ने बकरे दिखाए बड़े बकरे पतीरे, नॉर्मल बकरे के लिए तो नॉर्मल बकरे हैं अपने पास, अगर किसी को वजन से भी चाहिए 450 रुपये किलो, 480 रुपये किलो, वैसे भी बकरा है। और जो बड़े बकरे हैं तो भाई मतलब जो जिनको मतलब परचेस करना लेना है, वो कीमत के रेंज के बकरे लेते हैं बड़े जी, वो लोग कॉन्टेक्ट करें है ना, कि आखिर कोई नाराज़ ना हो यहाँ पर। नाराज़ नहीं, इंशाल्लाह जो भी कस्टमर आएगा इंशाल्लाह खाली हाथ नहीं जाएगा, भले वो छोटे बकरे का हो या मीडियम का हो या बड़े का। अरे अपने पास जो 350 वाले सिरोही वो नहीं है? नहीं नहीं वो सब ना, वो बता देना जरूरी है। सिरोही नहीं है, सोजत है, पतीरा है, पंजाबी, मतलब सब हाई हाई क्वालिटी क्वालिटी के बकरे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आइए और दो बकरे देखते हैं, ख़त्म करते हैं। मकसूद भाई, ये एक वाहिद सिंह वाला मेंढा, मेंढे तो और भी हैं, दमदम भी देखा मैंने अंदर, क्या डिटेल है शेर की? ये आसिम भाई 6 दांत के ऊपर है जी, और इसका वेट है अभी 75-80 केजी। ये विलायती में क्या? विलायती मेंढा है, एग्रेसिव बहुत है, होगा एग्रेसिव है।
आपके पास बचपन से है? नहीं, ये मेरे को मेरे पास 7-8 महीना हो गया। तो घुमाओ। यासीन भाई, व्हाइट टाइगर है ये। उसके जो बाल है ना, उसे लगता है एकदम शेर लायन के। आपने पीछे के बाल कटा दिए इसके? जी जी जी, बहुत नायाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक पंजाबी है, फ्रूटी है। फ्रूटी, हाँ। सानियन फीमेल जी। देखो सिंह दिखा, देखो मस्त है माशाल्लाह। ठीक, फॉर सेल है। हाँ, ये फॉर सेल है। हाँ, ये सेल, मेंढा सेल के लिए। ठीक, सिर्फ फ्रूटी, नॉट फॉर सेल है दोस्तों। मकसूद भाई, आप बता रहे थे कि पंजाबी बकरा, राइट जी? वाइट आइज में, पूरा वाइट, पूरा वाइट बन जाए। पर नॉर्मली आते ही नहीं ना भाई ऐसे? नहीं, ये बहुत रेयर आते हैं। तो क्या इसको अंडूल रखे हो, खस्सी को? नहीं, खस्सी है। तो ये भी आप सेल कर देंगे? सेल के लिए है, अगर कोई पालने वाला, जैसे भराई करने वाला कोई लेता बकरा भाई, बहुत माशाल्लाह बकरा, इसकी साइज वगैरह बहुत। एक भी ब्लैक डॉट नहीं है? डॉट भी नहीं है, ब्लैक डॉट फुल वाइट है। दांत कितने? 6 दांत। इसको एक बार वहाँ से भी दिखाओ ना, घुमाओ, इधर ले लो, तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि फुल वाइट है। देखो, मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्या ये क्रॉस हो सकता है पंजाबी में? क्या एकदम ओरिजिनल ब्रीड लाइन? नहीं नहीं, आप चेहरे से आप देख लीजिए, ऐसा चेहरा पंजाबी के अंदर ही आता है। हाँ, सही बोल रहे। इसका आगे का जो रहता है ना, रोमन नोज बोलते हैं। रोमन नोज, हाँ। ये देखिए आप, इसके चेहरे का रुबाब देखिए। हाँ। और सींग भी मार्बल है, माशाल्लाह। मकसूद भाई, ये क्या है? भाई, ये जेट ब्लैक सूजन है। ये भी काफी एकदम यूनिक हो गया, और सफेद आंख में व्हाइट आई है। क्या सोजर पंजाबी क्रॉस हो सकता है? हाँ, सोजर पंजाबी क्रॉस हो सकता है, क्योंकि ब्लैक कलर आया, व्हाइट आईज आया, तो पंजाबी क्रॉस ही कहलाता है। बॉडी लाइन पूरी सोजर वाली? हाँ, बॉडी लाइन पूरी सोजर। चेहरा भी सोजर है? चेहरा भी सोजर है, व्हाइट आईज और कलर पंजाबी। कान थोड़े बड़े हैं, मतलब बहुत अच्छा है। ये भी बिकने को है? बहुत नया भाई। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद भाई। जज़ाकअल्लाह। आपका नंबर तो ले लिया, एक बार और बोल दो भाई प्लीज। मेरा नंबर है 9867869139। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये था पूरा नया शौक और कलेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।